नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गुरुवार को विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने कहा है कि पूरा विपक्ष इस्तीफा दे और दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मैंने राहुल गांधी से कहा है कि मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा। आज की स्थिति अंग्रेजों से भी ज्यादा खराब हो गई है। संसद परिसर में गुरुवार को हुई विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में राजनीतिक संकट को लेकर कांग्रेस और द्रमुक सहित विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने इस्तीफा देकर गठबंधन सरकार को संकट में डाल दिया है। वहीं आजम खान ने कहा है कि पूरा विपक्ष इस्तीफा दे और दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव हो। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि 2014 से पहले जो बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाती थी, वह चुनाव जीतने के बाद मौन हो गई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव का गणित मशीन से सेट कर लेने वाला चुनाव हमें मंजूर नहीं है, इसलिए वह चुनाव आयोग से भी मिले हैं कि बाद में कोई ये सवाल ना उठाए कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से कोई बात पहले क्यों नहीं की गई। अब तक कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से ईवीएम या वीवीपैट की पर्चियों को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है, लेकिन वहां से उन्हें चुनाव आयोग का रास्ता दिखाया जाता है और चुनाव आयोग इस बार के चुनाव में खुद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।